सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष बोदरे। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक से। राज्यों को मिशन मोड में अमृत सरोवर का काम करने का सुझाव, पीएम मोदी ने प्रगति बैठक में की योजनाओं की समीक्षा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में स्वतंत्र नीति अख्तियार करने से हिचकना भी नहीं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने के खिलाफ एफआईआर, सीएम शिंदे के बेटे पर लगाया था सुपारी देने का आरोप। उत्तर भारत में चढ़ेगा पारा, कई राज्यों में बारिश के अनुमान। सीएम योगी के खिलाफ दोबारा याचिका दायर करने पर लगा 1 लाख का जुर्माना, हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर जमा करने का दिया निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज एसएन शुक्ला पर सीबीआई ने दर्ज किया केस, 5 साल में 165% बड़ी संपत्ति। राजगोपालाचारी के पोते सीआर केशवन ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा, बताया क्यों छोड़ी पार्टी। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएम को भेजा संबंध, शराब घोटाले मामले में किया तलब। बग गेट पर वेबिनार में बोले पीएम मोदी, ग्रीन ग्रोथ पर हमारे काम, भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास। एनआईए की 8 राज्यों में छापेमारी, खालिस्तानी आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क का खुलासा, बिश्नोई गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार। यूक्रेनी संसद ने पीएम मोदी की तारीफ, युद्ध को लेकर भारतीय रुख को सराहा। फैक्ट्री में महिलाओं की नाइट शिफ्ट को लेकर हुआ है बड़ा ऐलान, कर्नाटक विधानसभा में विधेयक हुआ पारित। विमानों के चालक दल और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के मानसिक स्वास्थ्य के लिए डीजीसीए ने सुझाव पाया। पीएम मोदी 27 फरवरी को शिव मोंगना हवाई अड्डे पर करेंगे उद्घाटन। एस जयशंकर हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित, कांग्रेस बोली इतिहास के सबसे नाकाम विदेश मंत्री। फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री के चौकीदार की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायबरेली में युवक ने किया महिला से दुष्कर्म, महिला ने लगाई न्याय की गुहार। रायबरेली में 36 घंटों में हुई 6 लोगों की मौत, क्षेत्र में मचा हड़कंप। पीलीभीत में विवाह समारोह से लौट रहे बाइक सवार 3 दोस्तों की मौत, सीएम योगी ने जताया दुख।
भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे बठीना देहात के विधायक अमित रतन गिरफ्तार, वायरल ऑडियो का है मामला। अमरोहा में जहरीली गैस छोड़े जाने से युवती बेहोश, युवती को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। प्रयागराज में बोर्ड परीक्षा के समय बच्चे के मन को पढ़ना जरूरी, पढ़ाई के साख एवं गतिविधियों पर दे ध्यान। संभल में छात्रा ने कॉलेज के खिलाफ दी शिकायती पत्र, प्रबंधक पर प्रैक्टिकल न कराने के लगे थे आरोप। लखनऊ में सपा ने उठाई जाति जनगणना की आवाज, जाति जनगणना संगोष्ठी अभियान की करेगी शुरुआत। संभल में दारुल उलूम के फतवा को शफीकुर रहमान का समर्थन, इस्लाम में दाढ़ी रखना नाजायज है, शफीकुर रहमान छात्रों के दाढ़ी काटने पर लगाई है रोक। अलीगढ़ में प्रेमिका ने की प्रेमी की चाकू से गला रेतकर हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में डीएम वीके त्रिपाठी ने दिए निर्देश, पुलिस ने गैंगस्टर की संपत्ति को किया कुर्क। औरैया में कमरे में शिक्षक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने बरामद किया शिक्षक का शव। गाजियाबाद में युवक ने धारदार हथियार से किया हमला, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में बनेंगे साइबर फॉरेंसिक लैब, डॉक्टर संजय एम तरे ने किया सम्मानित। प्रेमी को घर बुलाकर प्रेमिका ने मार दी गोली, शव को सड़क पर फेंक हुई फरार। मैनपुरी में शराब माफिया का मकान किया गया सील, प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह और पुलिस बल रहे मौजूद। सिद्धार्थनगर में विद्युत विभाग के खंभों पर लगी मशीनें, विभागीय राजस्व को मशीनों ने पहुंचाया नुकसान। काशी विश्वनाथ मंदिर की आरती हुई महंगी, पुजारियों का होगा ड्रेस कोड, 1 मार्च से बदलेगा बहुत कुछ। मेरठ के पुलिस कैफेटेरिया में ताजा होती हैं 50 साल पुरानी यादें, खाना भी शानदार। श्री कृष्ण जन्म स्थान शादी ईदगाह में 28 फरवरी को होगी सुनवाई, महेंद्र प्रताप सिंह के रिवीजन के बाद टला फैसला। अलीगढ़ में बाइक सवार 3 युवक हुए गंभीर रूप से घायल, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा, रेवाड़ी में इस साल शुरू होगा मजरा एम्स का निर्माण। मुरैना में कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर, कार को 20 मीटर घसीटता रहा ट्रक, 2 भाई सहित 4 की मौत। लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, अवैध अपार्टमेंटों को एलडीए ने किया सील।
नया गोरखपुर लेगा आकार, मेट्रो परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार, शुरू होगा गोरधोरिया नाले का निर्माण। बाईस साल पुराने कानपुर दंगे में एसडीएम के हत्यारे बरी, हटाए गए गैंगस्टर के मुकदमे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा सपा एमएलए इरफान सोलंकी का केस, खतरे में विधायकी। गाजियाबाद की रिवर्ड हाई सोसाइटी में बोरे में बंद करके फेंके गए कुत्ते, दो अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। यूपी की आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव खिलेगी, मिशन 2024 की कहानी, लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर होगी बीजेपी का फोकस। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले साल की चुनौतियों से सरकार ने सीख ली है, इस बार नहीं होगी दिक्कत। उत्तराखंड में आ सकता है तुर्की जैसा भूकंप, धरती में हो रही है भयंकर हलचल। इस बार चारधाम यात्रा मार्ग पर नहीं होगा हिमखंडों का दीदार, केदारनाथ में तेजी से पिघल रही है बर्फ। स्पेशल 26 की तर्ज पर छापेमारी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, कार्रवाई का डर दिखाकर घर से ले जाते थे लाखों रुपए। भूस्खलन से बंद रहेगा बागेश्वर गिरेछिना मोटर मार्ग, भारी मात्रा में मलबा आने के से बड़ा है खतरा वहां पर। पुलिस की सतर्कता से बची 30 यात्रियों की जान, शराब पीकर बस चला रहे ड्राइवर को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में अगले महीने आएगी प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति, 2 मार्च की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा यूके SSSC, 1-2 दिन में जारी होगा रैंकर्स भर्ती का परिणाम। आज से 16 केंद्रों में होगी PSS मुक्त परीक्षा, सख्त चेकिंग से गुजरेंगे अभ्यर्थी, धारा 144 लागू। पंद्रह मार्च को पेश होगा धामी सरकार का बजट, राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। QR कोड से ही मिलेगा दर्शन के लिए टोकन, परिवहन मुख्यालय जारी करेगा SOP। दो सिपाहियों को मिलेगा प्रधानमंत्री जीवन रक्षक पदक, जान पर खेलकर बचाई थी 6 लोगों की जान। जंगल की आग से जले 3 आवासीय मकान, अग्निकांड में सारा सामान हुआ स्वाहा। मंडे की दावत में नाच रहा था परिवार, हर्ष फायरिंग में दूल्हे के नाबालिग भतीजे की मौत। रुड़की में चचेरे भाइयों में हुआ झगड़ा, दोनों परिवारों के बीच जमकर चले डंडे, मारपीट में 4 घायल, वीडियो वायरल। तजाकिस्तान के बाद चीन में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 7.3 तीव्रता रही।
बिल गेट्स ने भारत को बताया भविष्य की उम्मीद, कहा बड़ी चुनौतियों से निपटने की ताकत। गाजा ने इसराइल पर किया हमला, इसराइल आर्मी के हमले में 11 फिलिस्तीनी मारे गए। कंगाल पाकिस्तान अब आतंकवाद पर फिर हुआ बेनकाब, खुलेआम घूम रहा है टेररिस्ट हाफिज सईद। तेरे हत्याकांड का आरोपी बलूच मंत्री अब्दुल रहमान खेतान गिरफ्तार, निजी जेल में लोगों पर ढाता था जुल्म। ब्राजील में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 48। साठ हजार फीट की ऊंचाई, अमेरिकी पायलट की स्पाई बैलून के साथ सेल्फी ने दुनिया को दिखाया जासूसी का सच। हथियारों पर बहा दिया सारा पैसा, दाने दाने को मोहताज उत्तर कोरिया, सैनिकों के खाने में कटौती कर रहा है तानाशाह। मुंबई एयरपोर्ट पे 8.36 करोड़ रुपए मूल्य के 10 लाख डॉलर के साथ एनआरआई गिरफ्तार। बैग बनाने वाली कंपनी देगी कर्मचारियों को 3 लाख का बोनस। '23 में अडानी अंबानी को बड़ा नुकसान, $83 अरब से ज्यादा घट गया है नेटवर्थ। वायदा बाजार में आज सोने और चांदी के भाव में दर्ज की जा रही है गिरावट। डीजीसीए ने एयरलाइंस को दिया सुझाव, क्रू मेंबर्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के मेंटल हेल्थ का रखा जाएगा ध्यान। एसबीआई और एचडीएफसी के बाद अब एसबीआई बैंक ने बढ़ाया एफडी पर ब्याज। डूबते श्रीलंका को मिला अडानी का सहारा, पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर हो रहा है 482 मिलियन का निवेश। स्टेट बैंक ने लेन देन को किया सब्जी खरीदने जितना आसान, सिंगापुर से मांग सकते हैं पैसे। दुनिया भर में हो रहे लॉय ऑफ और वेतन कटौती के बीच सिटी ग्रुप ने लिया है यूटर्न, 9% बढ़ा है सीईओ की सैलरी। मेडिकल केयर ने नई पारी खेली, एमेजॉन वन मेडिकल का किया टेक ओवर, 29,000 करोड़ रुपए की डील हुई फाइनल। LIC की निवेश पॉलिसी में मिलेगी 3 बड़ी सुविधाएं, 2 गुना से ज्यादा रिटर्न का फायदा। यात्रियों को खूब पसंद आ रही हाई स्पीड ट्रेन, मुंबई से श्रीणी और सोलापुर के बीच दे रही है सुविधा। MS धोनी की टीम को लगा है तगड़ा झटका, CSK ने भविष्य के कप्तान के की IPL ना खेलने की घोषणा। इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम घोषित, जेन मैक्सवेल सहित कई मुख्य खिलाड़ियों की हुई वापसी।
रोहित शर्मा के लिए दिल्ली टेस्ट की जीत बनी दावत। वरदान दो दिग्गज कप्तानों के रिकॉर्ड की कर डाली बराबरी। स्मृति मंदाना के नाम पर दर्ज हुआ T20 क्रिकेट का अनचाहा रिकॉर्ड। अनिल की स्कोर पर आउट होने वाली बनी पहली खिलाड़ी। हरमनप्रीत कौर ने अपने 150वें T20 मैच को बनाया बेहद खास, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी। सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिगो को लगा तगड़ा झटका, कप्तान सहित स्टार ऑलराउंडर हुई टीम से बाहर। अंजुमन चोपड़ा ने कहा भारत को T20 वर्ल्ड फाइनल में पहुंचने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी। डेविड वार्नर होंगे दिल्ली के कैपिटलिस्ट के नए कप्तान, स्टार भारतीय खिलाड़ी बने उप कप्तान। सनराइजर्स हैदराबाद ने किया अपने नए कप्तान का ऐलान, धाकड़ बल्लेबाज एडन मार्करम को मिली टीम की कमान। अपनी टीम हारी तो गुस्सा कंट्रोल नहीं हो कर पाए वसीम अकरम, कैमरे में कैद हो गया ड्रेसिंग रूम का यह नजारा। वेलकम 3 के लिए अक्षय कुमार ने थामा मुन्ना भाई और सर्किट का हाथ, जल्द शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। संजू के बाद सौरभ गांगुली की बायोपिक में से बॉस ऑफिस हिलने लाने आ रहा है रणबीर, जल्द शुरू होने वाली है शूटिंग। मलाइका अरोड़ा को देर रात एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे अर्जुन कपूर, फुटेज देख लोगों ने कहा दोनों की जोड़ी हिट है। पिंक कलर का कुर्ता पहनकर निकली श्रद्धा कपूर, एक्ट्रेस की सादगी पर फैंस ने हारा दिल। बड़े वजन के चलते बुरी तरह टोल हुई अनुष्का शेट्टी, नानी के लुक ने मचाया तहलका। सही से रोमांटिक अंदाज में माफी मांगने विराट पति को पाने के लिए ऐसी चाल चलेगी पाकी। बोनी कपूर को फिर याद आई श्रीदेवी, 5वीं डेथ एनिवर्सरी से पहले शेयर की एक्ट्रेस की आखिरी तस्वीर। ब्रह्मास्त्र के लिए रणबीर कपूर को मिला दादा साहब फाल्के अवार्ड, बोले मुझे नहीं लगता है मैं डिजर्विंग हूं। दमदार रानी मुखर्जी की मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे का ट्रेलर, बच्चों के लिए करती दिखी सारी हदें पार। कभी दो वक्त के खाने के लिए तरसे बिना सैलरी के जॉब से बेदखल हुए, पूरे दौर पर अंकित गुप्ता ने तोड़ी चुप्पी।